हेलो एवरीवन, इनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सक्षमता परीक्षा के नियमों में हो सकता है बदलाव। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार से की बात। यहाँ पर न्यूज़ 18 की यह न्यूज़ है जहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया है और बहुत जल्दी आपको शिक्षा विभाग से नियमावली पर राय हो सकती है और उसके नियमों में भी बदलाव हो सकता है, जिसमें सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है सीएम नीतीश कुमार से बात करके इसकी पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि अभी नियोजित शिक्षकों ने डिप्टी सीएम से बात की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो जल्द ही सीएम से बात करके इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो अति शीघ्र करेंगे। तो नियमावली में बदलाव हो सकता है, यह बहुत अच्छी न्यूज़ आप सभी के लिए निकल कर आ रही है, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ नियोजित शिक्षकों की गुरुवार को वार्ता हुई थी। उसी वार्ता में उप मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने नियोजित शिक्षकों की बातों को गंभीरता से सुनने के बाद उन्हें आश्वस्त किया कि इस पर वे शिक्षा मंत्री से बात करेंगे, और उन्होंने आज बात की, जिसमें बात करने पर यह चीज़ सामने निकल कर आ रही है। अभी पूरा ऑथेंटिक नहीं हुआ है, लेकिन खबर पूरी है कि इस नियमावली में संशोधन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ वार्ता में बिहार शिक्षक एकता मंच के प्रतिनिधि मंडल शामिल थे। बिहार शिक्षक एकता मंच नियोजित शिक्षक संगठनों का है। वार्ता में उप मुख्यमंत्री श्री चौधरी के समक्ष यह मांग रखी गई है कि दक्षता एवं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए सक्षमता परीक्षा की शर्त समाप्त कर बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। यहाँ पर इन्होंने तो यहाँ पर बिना परीक्षा के ही वार्ता में उप मुख्यमंत्री से इन्होंने मांग रखी कि दक्षता एवं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों, जो नियोजित शिक्षक हैं वो और जो लाइब्रेरियन होते हैं वो, सक्षमता परीक्षा की शर्त समाप्त कर, यानी जो सक्षमता परीक्षा है उसको ही खत्म कर दिया जाए और बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। विशिष्ट शिक्षक के पदनाम को बदलकर सहायक शिक्षक किया जाए, क्योंकि अब इस सक्षमता परीक्षा को जो प्रोसेस नियमावली 4 बताया गया है, नियमावली 4 के तहत नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का नाम दिया जाएगा, तब उन्हें सभी राज्यकर्मी का दर्जे के रूप में सारी वो मिलेंगे उनको बेनिफिट्स। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें कोई परीक्षा नहीं चाहिए, कोई शर्त नहीं चाहिए, केवल हमें राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए असिस्टेंट टीचर का नाम उन्हें दिया जाना चाहिए। सभी नियोजित शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण के प्रावधान को क्रियान्वित किया जाए। 3 जिलों के विकल्प के प्रावधान को समाप्त कर ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए। ये सभी सुझाव उन्होंने रखे हैं, मांग उन्होंने रखी हैं। अब इस पर सीएम साहब कितना अपना कौन कौन से, या तो सभी जितने पॉइंट्स आपने रखे हैं उनको मानते हैं, या कुछ एक में नियमावली में जो संशोधन होगा कितना होगा, कितना परसेंट होगा वो देखना होगा। लेकिन ये तय है कि नियमावली में संशोधन होगा, लेकिन कितना होगा, कितने परसेंट होगा, ये आजकल में क्लियर हो जाएगा। जैसे ही इसके बारे में स्पष्ट कोई गाइडलाइन आती है तो हम बताने का प्रयास करेंगे। 3 विकल्प का भी इन्होंने रखा हुआ है, ऐच्छिक स्थानांतरण का भी रखा हुआ है, बाकी आगे की सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए वेतन संरक्षण का लाभ, संस्थानिक लेवल में वेतन निर्धारण किया जाए, यह आदेश जारी किया जाए कि विद्यालय अध्यापक से वरीय नियोजित शिक्षक होंगे। इसके साथ ही नियोजित शिक्षकों द्वारा और भी कई मांगे रखी गई, ये स्पष्ट मांगे उन्होंने रखी। अब इनमें से ये देखना है कि कौन सी जो बातें हैं वो मानी जाएंगी, कौन सी नहीं मानी जाएंगी। जैसे क्योंकि फिलहाल तो आप भी जानते हैं कि जो बातें सुनने को आ रही है कि वो आ रहा है कि आपको 5 विकल्प दिए जाएंगे, पहले था 3 विकल्प का, अब 3 विकल्प को हटाकर इतना सुनने में आया है कि आपको सक्षमता परीक्षा को क्लियर करने के लिए 5 अटेम्प्ट्स दिए जा रहे हैं, जिनमें ये भी सुनने में आ रहा है कि जो टीचर्स नियोजित टीचर ऑफलाइन परीक्षा देना चाहते हैं वो ऑफलाइन दे सकते हैं, और जो ऑनलाइन देना चाहते हैं वो ऑनलाइन दे सकते हैं। ये सुझाव तो सामने आ गए हैं, आज आपने भी ये चीज़ जहाँ तक सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ ली होगी, सुन ली होगी। लेकिन अब बाकी जो आपने डिमांड्स रखी हैं उनमें कितना संशोधन होता है, कितना वो बात मानते हैं, ये डिपेंड करेगा। इसके आगे जैसा ही कोई अपडेट मिलेगा वो हम बताने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।